since 1947, over 66 years of national existence, 60% youth of Pakistan stands at a place where it has the strength to overcome all challenges. Youth, forming the largest part of society, possesses the power, the voice, and the determination to build the country into a strong, united nation. If they are offered opportunities for growth and channelized into the mainstream, then all their energies, hard work, and passion can be geared towards peace building and eventual nation building in Pakistan. Responding to the need of the hour, Search for Common Ground and its implementing partners launched a 2 years nationwide project, the Pakistan Peace Initiative, so that the capacity of the Pakistani youth could be built through the training of the youth itself, the local leaders, and the media on conflict resolution and peace building. Pakistan today is going through decisive times. People are demanding more accountable forms of governance and leadership. And among the new forces of change and among the new voices demanding change are those of young people of Pakistan. The project engaged youth from various communities through training sessions, district dialogue forums, and capacity building workshops on peace building, production, and broadcasting. They were also supported in connecting with the national leadership through the National Peace Building Summit of Media, Youth, and Local Leadership. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेरी एज अ मास्टर ट्रेनर सिलेक्शन हुई. मैंने स्पेशली तौर पर एक सेगमेंट का मैंने रखवाया जो कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के हवाले से था कि अगर इलेक्शन वाले दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है तो वो किस तरीके से रिजॉल्व करें. जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके यूथ विंग से मैंने रबते किए, उनकी लेडीज़ विंग से मैंने रबते किए, उनके तमाम जो बड़े कारकुन थे उनसे मैंने राबते किए और उनसे बकायदा तौर पर मीटिंग्स कंडक्ट की. द मीडिया हैविंग अ क्रूशियल रोल इन द शेपिंग ऑफ सोसाइटी वाज आल्सो ट्रेन्ड हु देन अप्लाइड द नॉलेज लर्नड इन ट्रेनिंग्स बाय प्रोड्यूसिंग टीवी एंड रेडियो शोज एंड प्रिंट आर्टिकल्स. बलूचिस्तान में अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, रोड टूटे फूटे, जच्चा बच्चा का मसला बहुत ज्यादा है. इस पर मैंने टॉक शो किए, डॉक्यूमेंट्री बनाई. वहाँ के लिसनर ने जो है वो मेरे साथ अप्रोच किया, इस टॉक शो को पसंद किए और इस मौजू पर, अहम मौजू पर तबादला ख्याल किया. द प्रोजेक्ट आल्सो ट्रेन्ड लोकल लीडर्स हु इंप्लीमेंटेड द स्किल्स लर्नड ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स बाय एस्टैब्लिशिंग डिस्ट्रिक्ट डायलॉग फोरम्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एट द लोकल लेवल. जो भी हमारे गिलगित-बल्तिस्तान के सोशल इश्यूज़ हैं उसके हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी जाए. तो सबसे बड़ी हमने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जी गिलगित-बल्तिस्तान यूथ कॉन्फ्रेंस. तमाम जो कम्युनिटी जो गिलगित-बल्तिस्तान में एग्जिस्ट करती है इन्होंने इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ पीस के हवाले से अपनी अपनी राय दी थी. और उसके साथ साथ क्राकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 2 दिन का एक मेगा इवेंट किया जिसमें फर्दर फिर गिलगित-बल्तिस्तान की तमाम जो यूथ क्रिएटिव यूथ थी उन्होंने पोएटिक कंट्रीब्यूशंस अपनी दी और इन लोगों को यहाँ पे वुमेन ग्रुप्स को भी बताया कि हम आपने फर्दर जाके अपने अपने इलाकों में अपने घरों में किस तरह से पीस एजुकेशन को आपने इनिशिएट करना है. द पाकिस्तान पीस इनिशिएटिव प्रोजेक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस एंड फेडरेटिंग यूनिट्स इंक्लूडिंग फाटा, गिलगित-बल्तिस्तान एंड आजाद कश्मीर. द प्रोजेक्ट ऑफ सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड हैज हैड दीस ओवरऑल एम्स. What we have tried to support is, of course, the capacity of the media, the capacity of the Pakistani youth to deal with these issues in an open and tolerant way. Pakistan Peace Initiative's efforts have encouraged hundreds of Pakistan's youth, local leaders, and the media to develop their capabilities and competence so that they, acting as agents of change, can help Pakistan through its troubled times using peace building as their most powerful tool.